जब हम सेल की एंट्री पास करते हैं तो बिल कैसे डालना है और उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है? चलिए सबसे पहले F7 प्रेस करते हैं, जर्नल एंट्री F7। अब इसमें हमने सेल की एंट्री पास करनी है, तो सेल की एंट्री में डेटर्स डेबिट होते हैं, सेल क्रेडिट होती है ना। तो पार्टी टू सेल्स, अगर हम गुड्स सेल्स की बात कर रहे हैं तो पार्टी डेबिट सेल क्रेडिट। तो डेटर्स हैं हमारे पास ना, चलिए नया बनाते हैं। नए के लिए शॉर्टकट क्या होता है? ऑल्ट सी। अच्छा हाँ स्टूडेंट, मैं आपको एक और मैसेज बता दूं, इस संडे ना मैं आपको टैली पे छोटा सा असाइनमेंट दूंगी करने के लिए, तो वो आप मेरे को करके दिखाना इस संडे, क्योंकि अब आपका काफी सारा हो गया ना टैली में, कि मतलब अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताने के लिए उसमें एलिजिबल रहेंगे। जितना हमने किया सिर्फ उसी में से आई विल जस्ट आस्क काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट दिस संडे। तो ऑल्ट सी से हम एक पार्टी बना लेते हैं। प्री एंटरप्राइजेस अंडर सन्ड्री डेटर्स, और इसको सेव किया। देखो जो ये वाला ऑप्शन आता है ना, इसमें मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल का, इसको यस करके हम सेव करते हैं। जब हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं तभी जो है हमारा वो बिल वाला ऑप्शन आता है, पूछता है, अदरवाइज हम बिल रेफरेंस एडजस्टमेंट जो है वो नहीं डाल सकते। ये ऑप्शन एक्टिवेट रहता है तभी हम करते हैं। इसको यस किया, ये वैसे ये बाय डिफॉल्ट रहता है यस। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब पार्टी डेबिट, सपोज हमने 80,000 की इसको सेल की, फाइन। और यहाँ पे आप क्या डालेंगे? न्यू रेफरेंस फॉर न्यू बिल, तो पी सेल 01, सेल की एंड क्रेडिट क्या करेंगे? सेल्स। अब सेल्स नहीं बना हुआ, ऑल्ट सी सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट एंड सेव सेव, और इधर से बीइंग गुड्स सोल्ड, बींग्स गुड सोल्ड टू प्री एंटरप्राइजेस, हार्ट्रोन हैज एंटर्ड इन वेटिंग रूम, एडमिट। वाइट बिल नंबर, स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने अभी पहले बनाई थी उसमें यू ऑल वर एंटर्ड, तो दूसरे वाले का अभी वेट चल रहा है। राधा एंटर्ड है, और इधर से रितु, आप सभी स्टूडेंट्स एंटर करो। वाइट बिल नंबर पी सेल 01, नरेशन आप लिखेंगे, व्हाइट बिल नंबर पी सेल 01। अब इस बिल के अगेंस्ट हमने क्या करना है? पार्टी से रिसीव करना है। जितना हमने पार्टी से रिसीव करना है वो हम इसमें ऐड करेंगे। सो क्रेडिट में
पार्टी, दिस वन प्री एंटरप्राइजेस। अब देखो इसका बैलेंस दिखा रहा है ना कितना, 80,000। तो ये सारा हमने रिसीव किया अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि पेंडिंग बिल, और डेबिट क्या किया यहाँ से, कैश या बैंक। तो इस बार बैंक लेते हैं क्योंकि बैंक में हमारे पास अभी कोई बैलेंस तो चल नहीं रहा। यू विल प्रेस ऑल्ट सी एंड बैंक अकाउंट एंड सेव। ठीक है, अब 80,000 डायरेक्ट इज गोइंग इन योर बैंक अकाउंट। और इधर से व्हाट विल यू डू इज टू पोस्ट योर चेक नंबर, चेक डेट एंड बैंक नेम। ये इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं और नरेशन में बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्री एंटरप्राइजेस वाइड बिल नंबर पी सेल 01। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट्स इनकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं बिल वाइज की। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू डे बुक डिस्प्ले एंड डे बुक। अब यहाँ पे प्रेस ऑल्ट एफ वन, यस प्रेस ऑल्ट एफ वन, और फर्दर डिटेल्स देखने के लिए प्रेस F12, और यहाँ से शो नरेशन यस, और शो बिल वाइज डिटेल्स यस। ये दोनों, क्योंकि जो जो चीजें आपने उस वाउचर में डाली हैं आप उनको यस करेंगे। हमने ये दोनों डाली हैं तो दोनों यस रहेंगी। अब सेव करने के लिए या तो आप एंटर प्रेस करते जाओ या फिर Ctrl+A। सी अब डे बुक की रिपोर्ट ध्यान से देखो, एंट्री आ गई विद डिटेल एंड यू कैन सी दीज एंट्रीज विद नरेशन एंड बिल एडजस्टमेंट। इसमें आपके बिल्स आ गए। अब एक तरीका क्या होता है डे बुक में ऐसे एंट्री चेक करने का, इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। अब इसका एक और प्रिसाइज तरीका है रिपोर्ट को चेक करने का, पार्टी वाइज बैक डिस्प्ले एंड अकाउंट बुक्स एंड लेजर। यहां से सिलेक्ट पार्टी नेम लाइक ABC, क्रेडिटर था, देखो 20,000 का परचेज किया और 20,000 की पेमेंट की, क्लोजिंग बैलेंस पार्टी का कितना बच गया इज निल। फाइन, ऐसे ही और क्या था, डेटर हीना का चेक करते हैं। अब हीना का तो पहले ही 80,000 का ओपनिंग बैलेंस था, इसकी पेमेंट तो करी नहीं थी, 50 की पेमेंट करी थी, बैलेंस कितना बच गया 80,000, यानी कि ये इसका भी पे करना है। दूसरा एक प्री एंटरप्राइज हमारा डेटर था, 80 की सेल करी और 80 ही हमने इसे रिसीव कर लिया एंड क्लोजिंग बैलेंस कम्स टू 0। फाइन, चलिए इस तरह से आप इनके रिपोर्ट्स चेक करते हैं। और स्टूडेंट्स आपको इसके जो असाइनमेंट हैं वो मैं संडे को दूंगी। संडे हम नया टॉपिक नहीं करेंगे, आप मुझे जितना हमने सैटरडे तक टैली कंप्लीट कर लिया होगा आप उसकी डेली रिवीजन करते जाएंगे। और इन वीडियोस का ये वाला लिंक और जो फर्दर डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड नोट्स वगैरह भी, वो आपको आफ्टरनून या इवनिंग तक इस क्लासरूम में मिल जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।